साइबर सिटी गुरुग्राम फिर हुई शर्मसार। महिला के साथ हुई गैंगरेप की वारदात। ऑटो सवार युवकों ने महिला से किया गैंगरेप। पीड़ित महिला ने तीन युवकों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। करनाल में टोल पर कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया है। कार सवार युवकों ने मारपीट की है। दो कर्मचारियों को इस दौरान गोली भी मारी है। दोनों घायल टोल कर्मचारियों को कल्पना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टोल देने को लेकर ये पूरी बहस हुई थी। गुरुग्राम में कांग्रेस का प्रदर्शन। 26 मई को काला दिवस के रूप में मना रही है कांग्रेस। बीजेपी के केंद्र में 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। गोहाना में भी कांग्रेस ने विश्वासघात दिवस मनाया। वहीं कांग्रेस का ये पूरा कार्यक्रम गुटबाजी में बटा। 3 धड़ों में बटी जिला कांग्रेस। अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुए कार्यकर्ता। गोहाना में बिजली निगम के उपभोक्ताओं पर 105 करोड़ रुपए का बकाया है। 80% ग्रामीण इलाकों में बढ़ी बिजली चोरी की घटनाएं। वहीं 35,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जो डिफॉल्टर हैं। करनाल के डिप्टी मेयर मनोज बाधवा के भाई की मौत का मामला फिर गरमाया। मनोज बाधवा ने पुलिस प्रशासन और खट्टर सरकार पर आरोप लगाए। मनोज ने आरोप लगाया कि दोषी पुलिस अधिकारियों को बचा रही है खट्टर सरकार। बाधवा ने किए कई अहम खुलासे। कहा राजनीतिक और पुलिस दबाव के चलते सोनू ने की थी आत्महत्या। मेट्रो के आगे हादसों में मरने वाले लोगों की मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्दनाक हादसा साइबर सिटी के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का है, जब दोपहर तकरीबन 1 से 1.5 बजे के बीच यूपी के रहने वाले 38 से 40 साल के युवक की मेट्रो की चपेट में आने से संदिग्ध मौत हो गई। ये इतनी जल्दबाजी में हुआ कि जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। दिल्ली से मिनी बस में वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की बस को टमाटर लेकर दिल्ली आ रहे एक कैंटर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दिल्ली से पालम विहार की एक महिला और यमुनानगर निवासी टमाटर व्यापारी की मौत हो गई है, जबकि 15 घायलों को निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक कैंटर चालक को नींद की झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ। भिवानी CIA पुलिस ने अनाज चोरी करने वाले राजस्थान के बागरिया गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह गेहूं व सरसों की फसल की कढ़ाई के समय सक्रिय होता था और खेतों, मंडी या मील आदि में अनाज की भारी मात्रा में चोरी करता था।